टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू एंटीबायोटिक दैट इज क्यूनोलिन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स. एक्चुअली नैलिक डेसिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ क्यूनोलोन्स. नैलिक डेसिक एसिड इज ए एंटीबायोटिक इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नैलिक डेसिक एसिड. नैलिक डेसिक एसिड का प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम में मीन्स वॉट इट इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड सेकंड अनदर प्रॉब्लम मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और नैरो स्पेक्ट्रम है, बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ नैलिक डेसिक एसिड एक्चुअली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट वेरी वेल इन द बॉडी. ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है बॉडी में अच्छे से, इसलिए इसका इफेक्ट बॉडी में मिलता नहीं है. इसलिए क्या साइंटिस्ट ने क्या किया कि नैलिक डेसिक एसिड को एक फ्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो इट बिकम एज अ फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ नैलिक डेसिक एसिड एंड इट बिकम एज अ फ्लोरोक्विनोलोन. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है नैलिक एसिड का कि नैरो स्पेक्ट्रम है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए उसको उसका यूटिलाइजेशन बहुत लेस होता है. नाउ लेट मी डिस्कस सम एडवांटेजेस. सम एडवांटेज इज वाई फ्लोरोक्विनोल बिकम वेरी पॉपुलर. मैं कुछ एडवांटेज डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करने लगे हैं आजकल. सो फर्स्ट एडवांटेज ये है फ्लोरोक्विनोलिन का कि इट इज़ टेकन ओरली. ये इसका पहला जो एडवांटेज है, टेकन ओरली, ओरल ले सकते हैं इसको एंड टेकन ओरली एंड वेरी वेल एब्जॉर्ब. एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी गुड नियर अबाउट. इफ यू फाइंड इधर एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट 80 to 90% इज़ बायोअवेलेबिलिटी के इसको ओरली ले सकते हैं हम लोग. ओरली लेने के बाद इसका जो बायोअवेलेबिलिटी आप देखते हो तो नियर अबाउट 80 to 90% फाइंड होता है. सो दिस ड्रग वी कैन टेकन ओरली और अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी गुड. फ्लोरोक्विनोलिन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वाई वी फ्लोरोक्विनोलिन इज़ वेरी पॉपुलर कि आजकल नाउ डेज फ्लोरोक्विनोलिन क्यों ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उसके एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला जो एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज इज दिस ड्रग इज टेकन ओरली एंड इट इज़ वेरी वेल एब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी गुड नियर अबाउट इफ यू फाइंड द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग इज 80 to 90%. सेकंड अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सॉरी सेकंड एडवांटेजेस ऑफ दिस ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड very well in your body. It can distributed in very well in your body, distributed in your body fluid tissue and penetrate deeply. जो penetrate deeply penetration होता है that's why it is effective and in those microorganism which will grow intracellularly. For example, chlamydia है, shigella है, there are number of microorganism which are grow intracellularly. So this drug is distributed very well in your body. In it can distribute in your body fluid, it can distribute it in your tissues, it can distribute penetrate deeply tissue. That's why this drug is very effective in those type of microorganism which are grow intracellularly. जो microorganism intracellular growth होता है ऐसे microorganism के against में ये drug बहुत ज़्यादा effective होता है. Third जो important इसका advantage है, it is a broad spectrum. ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस नेम सेल्फ इंडिकेटेड मीन्स वॉट इट विल इफेक्ट हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट दी मोस्ट ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल इट इफेक्टिव इट वेरी वेल इफेक्टिव अगेंस्ट दी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. इट इज़ वेरी वेल इफेक्टिव अगेंस्ट दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट दी दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ ग्रो इंट्रा सेलुलरली. सो जो स्पेक्ट्रम है इसका बहुत ज़्यादा है, मीन्स वॉट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव और दोज माइक्रोविज्म विच आर ग्रो इंट्रा सेलुलर. थर्ड जो एडवांटेज ऑफ दिस ड्रग इज हाई पोटेंशियल ड्रग. इट इज़ वेरी हाई पोटेंशियल ड्रग इज देयर. बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ड्रग है, हाई पोटेंशियल ड्रग है. मीन पोटेंशियल मीन्स वॉट स्मॉल ड्रग, स्मॉल अमाउंट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है ये ड्रग. और लास्ट और बट नॉट लीस्ट इट इज़ वेरी वेल टॉलरेटेड. वेरी वेल टॉलरेटेड ड्रग इज और वी कैन से इट इज सेफ्टी मार्जिन इज वेरी हाई. वेरी सेफ ड्रग इज वी कैन से इट इज़ वेरी सेफ ड्रग. इट गिव्स वेरी लेस साइड इफेक्ट. वेरी वेल टॉलरेटेड ड्रग है. बाकी अगर एंटीबायोटिक के कंपेयर में आप लोग कंपेयर करते हो तो इसको जो साइड इफेक्ट है इट इज़ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट और वेरी लेस साइड इफेक्ट, नॉट वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट. If you see the some antibiotic gives some complicated side effect, but this type of drug fluoroquinolone is not responsible for any serious side effect. Okay, so this type of these are the some point. ये कुछ advantage है. That's why this
फ्लोरोक्विनोल बिकम वेरी पॉपुलर। अभी के एरा में फ्लोरोक्विनोल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हम लोग करते हैं। उसका ये रीज़न है कि उसके 5 रीज़न है कि ये ड्रग इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। तो पहला जो एडवांटेजेस है इसको वी कैन टेक ओरली और अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी गुड, नियर अबाउट 80-90% इज बायोअवेलेबिलिटी। सेकंड जो एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी हाई, वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, हाई पोटेंसी ड्रग है और वेरी सबसे ज़्यादा वेरी वेल टॉलरेटेड है और बहुत ही ज़्यादा सेफ है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ क्विनोलिन फॉर फ्लोरोक्विनोलिन। नाउ लेट मी डिस्कस, इट इज़ मेनली एज ए बैक्टेरियोसाइडल। बैक्टेरियोसाइडल मीन्स वॉट के बैक्टेरियोसाइडल किसको कहते हैं कि दोज एंटीबायोटिक विच विल नॉट ओनली किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी। बैक्टेरियोसाइडल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बैक्टेरियोसाइडल एक्शन शो करता है। तो बैक्टेरियोसाइडल का मतलब क्या होता है कि दोज एंटीबायोटिक विच नॉट ओनली किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट ऑल्सो इज रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम योर बॉडी, कि किल करने के बाद रिमूव भी करता है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कह सकते हैं बैक्टेरियोसाइडल प्रॉपर्टी। सो नाउ लेट मी डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हम लोग को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हम लोग को क्विनोलिन्स और फ्लोरोक्विनोलिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने के पहले आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ टोपो आइसोमरेज सेकंड और डीएनए गायरेज। इफ़ यू नो द रोल ऑफ टोपो आइसोमरेज सेकंड और वी कैन कॉल एज ए डीएनए गायरेज, अगर आपका को इसका मतलब पता है, इसका फंक्शन पता है, इसका रोल पता है, तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनोलिन्स और फ्लोरोक्विनोलिन्स। सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन के जनरली क्या होता है कि वेन एवर द प्रोटीन सिंथेसिस देयर, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, सो व्हाट विल हैपन ओपनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस देयर। नॉर्मली व्हाट विल हैपन के नॉर्मली क्या होता है कि सो रेप्लिकेशन वी डिस्कस द के नॉर्मली व्हाट विल हैपन वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ टोपो आइसोमरेज सेकंड और वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन और रोल ऑफ डीएनए गायरेज। तो नॉर्मली व्हाट विल हैपन वेन एवर द प्रोटीन सिंथेसिस देयर, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वेन एवर द रेप्लिकेशन ऑफ सेल इज देयर, जब भी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, सो व्हाट विल हैपन इट ओपन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जब भी ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो डीएनए की सीक्वेंस ओपन होती है। सो ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दिस डीएनए सीक्वेंस व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव और सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डीएनए, कि जब ये सीक्वेंस ओपन होती है, वेन एवर दी सीक्वेंस इज ओपन, सो व्हाट विल हैपन, सुपर कॉइलिंग इज देयर, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज देयर। सो ड्यू टू पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ओवर टाइटिंग ऑफ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर डीएनए और ड्यू टू दिस ओवर टाइटिंग डैमेज ऑफ डीएनए इज देयर और ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए इज देयर, कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो व्हाट विल हैपन, डीएनए ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जो सेकंड जो पार्ट होता है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है डीएनए का, वहाँ पर पॉजिटिव रिप्लिकेशन होता है, पॉजिटिव कॉइलिंग होती है, पॉजिटिव फोल्डिंग होती है, और पॉजिटिव फोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव फोल्डिंग होने की वजह से वहाँ पर डीएनए के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्हाट विल हैपन, नेचर प्रोवाइडिंग सम मर्सीफुल मैकेनिज्म, नेचर ने कुछ मर्सीफुल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है, दैट इज डीएनए गायरेज और वी कैन कॉल एज ए टोपो आइसोमरेज सेकंड, के टोपो आइसोमरेज सेकंड ये प्रोवाइड किया है नेचर ने। सो टोपो आइसोमरेज सेकंड हैविंग टू इंपॉर्टेंट यूनिट, टोपो आइसोमरेज सेकंड हैविंग टू इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज टोपो आइसोमरेज कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट यूनिट, फ्रॉम द फर्स्ट इज लाइगेस यूनिट और सेकंड इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, टू टोपो आइसोमरेज कंसिस्ट ऑफ, सपोज दिस एंजाइम, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ए न्यूक्लियस और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइगेस, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं टोपो आइसोमरेज सेकंड का। अभी टोपो आइसोमरेज सेकंड का रोल इंपॉर्टेंट क्या होता है कि व्हाट इट विल बी डू, इट विल सिंपली कटिंग, ये क्या करता है कि इट जो न्यूक्लियस यूनिट होता है, न्यूक्लियस कट द डीएनए, न्यूक्लियस निक द डीएनए, कटिंग के लिए यहाँ पर हम वर्ड यूज किया है कटिंग, दैट इज निकिंग करता है, कि वो क्या करता है कि इट
इट कट मतलब जो निक करता है, निक किससे क्या होता है, आपका जो डीएनए का जो पार्ट होता है कट हो जाता है। अब कट होने की वजह से क्या होता है, वो जो ट्विस्टिंग होती है ओवर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है तो अनफोल्डेड हो जाती है, और ये जो आपका जो जो वहाँ पर ओवर ट्विस्टिंग है वो फ्री हो जाता है। और जो दूसरा यूनिट होता है लाइगेज, अब जब एक वो फ्री होने के बाद जब फ्री हो गया तो लाइगेज यूनिट क्या करता है, उसको अगेंस्ट स्टिक कर देता है और इसको ज्वाइन कर देता है। ओके सिंपल क्या होता है कि जब ओवर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है, यहाँ पर जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, वो फोल्डिंग नंबर ऑफ फोल्डिंग इज देयर, तो वो फोल्डिंग बढ़ जाती है और डीएनए डैमेज होता है। तो क्या कहता है, सिंपली आपका जो डीएनए गायरस होता है, आपका डीएनए आपके डीएनए को एक कट करता है। जो न्यूक्लियस यूनिट होता है, न्यूक्लियस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निकिंग ऑफ योर डीएनए। सो व्हाट विल हैपन, वन एंड इज फ्री और अनदर इज ज्वाइंट, सो व्हाट विल हैपन, अनफोल्डिंग इज देयर। कि जैसे ही कट होता है तो जैसे अनफोल्डिंग होती है, और अनफोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि वो अपनी अपनी पोजिशन में रिटर्न आ जाता है, और जो लाइगेस यूनिट होता है लाइगेस अगेन रीसीलिंग द डीएनए। सो व्हाट विल हैपन हियर, नॉर्मली दीज न्यूक्लियर डीएनए टोपोआइसोमर सेकेंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द प्राइमरी सीक्वेंस। ये प्राइमरी सीक्वेंस चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, दे आर चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ डीएनए। ये क्या करता है कि डीएनए की कॉन्फिगरेशन चेंज करता है। इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्ट ऑफ डीएनए, इट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ टोपोलॉजी ऑफ डीएनए। सो इन दिस वे टोपोआइसोमर सेकर और डीएनए गायरस विल वर्क। नाउ लेट मी डिस्कस हाउ एग्जैक्टली दिस, लेट मी डिस्कस हाउ, नाउ लेट मी डिस्कस हाउ फ्लोरोक्विनोलिन विल वर्क। कि फ्लोरोक्विनोलिन किस तरह से वर्क करते हैं, नॉर्मली फ्लोरोक्विनोलिन विल इज ड्रग विच कैन डीपली पेनेट्रेट इन योर बॉडी। डीपली पेनेट्रेट होता है, वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर बॉडी। सो व्हाट विल हैपन, व्हेनेवर इट इंटर इन योर बॉडी, इट विल इंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट विल बाइंड द लाइगेज यूनिट। वो क्या करता है कि लाइगेज यूनिट को बाइंड कर देता है। इफ लाइगेज यूनिट इज बाइंड, सो लाइगेज यूनिट इज अनेबल टू स्टार्ट देयर वर्क। सो व्हाट विल हैपन, ओनली न्यूक्लियस विनर यूनिट इज देयर, सो इट विल ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर निकिंग, इट विल कटिंग द डीएनए। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इज देयर और डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर। नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लोरोक्विनोलिन है, फ्लोरोक्विनोलिन हम लोग जब लेते हैं तो व्हाट विल हैपन, फ्लोरोक्विनोलिन इज डीपली पेनेट्रेट इन योर बॉडी और इट विल बाइंड विद लाइगेज यूनिट। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोपोआइसोमरेज के दो इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं, डेट इज न्यूक्लियस और लाइगेज। न्यूक्लियस यूनिट का रोल क्या होता है, इट विल कटिंग द डीएनए को कट करता है, और जो लाइगेज यूनिट होता है उसको रीसील करता है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो आपका ड्रग होता है, योर ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज बाइंडिंग विद द लाइगेज यूनिट। कि आपके लाइगेज यूनिट को बाइंड कर देता है, तो लाइगेज यूनिट इज अनेबल टू शो देयर एक्शन, लाइगेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीसीलिंग। लाइसिप ओनली न्यूक्लियस यूनिट इज एक्टिवेटेड, तो न्यूक्लियस यूनिट क्या करते हैं, ओनली कटिंग प्रोसेस इज देयर, तो वो डीएनए को कट करते जाता है, लेकिन रीसीलिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए इज देयर और ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए व्हाट विल हैपन, डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर। इन दिस वे फ्लोरोक्विनोलिन और क्विनोलिन विल वर्क। क्विनोलिन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज सेकंड, और फ्लोरोक्विनोलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ टोपोआइसोमरेज सेकंड एज वेल एज टोपोआइसोमरेज फोर। तो ये क्विनोलिन और फ्लोरोक्विनोलिन का दोनों का मैकेनिज्म है। ओनली व्हाट विल हैपन हियर, इट ओनली ब्लॉकिंग और इट विल ब्लॉक द लाइगेज यूनिट। ये क्या करता है कि लाइगेज यूनिट को ब्लॉक कर देता है। लाइगेज यूनिट को ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस यूनिट सिर्फ कट करता है डीएनए को, तो डीएनए की कटिंग और कटिंग जाती है और लाइगेज यूनिट नहीं वर्क नहीं कर पाता है, जिससे रीसीलिंग नहीं होती है, और रीसीलिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन होता है डीएनए का, और ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन व्हाट विल हैपन, डेथ ऑफ डीएनए इज देयर, डेथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट मी डिस्कस टोपोआइसोमरेज फोर। टोपोआइसोमरेज फोर व्हेनेवर द
टोपोइज़ में प्रोज का वन ऐसा फंक्शन क्या है कि व्हेन डॉटर सेल इज फॉर्म, जब भी डॉटर सेल होता है तो नंबर ऑफ मोर क्रोमोसोम्स इज देयर विच आर इंटेगल विथ ईच अदर। जब भी बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम रहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब डॉटर सेल फॉर्म होते हैं तो जो बहुत सारे डीएनए होते हैं इंटेंगल विथ ईच अदर, बहुत ज़्यादा इंटेंगल ईच अदर हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपका डीएनए गायरस फोर होता है इसमें सिर्फ एक ही चेंज होता है कि इसके पास दो न्यूक्लियस यूनिट होते हैं और एक लाइगेस यूनिट होता है। तो दो न्यूक्लियस यूनिट की वजह से इजीली कटिंग करते हैं और लाइगेस यूनिट रीसील करता है। तो यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म यूटिलाइज होगा कि जो आपका टोपोइज़ स्पोर है उसमें चेंज क्या है, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस यूनिट, इसमें चेंजिंग क्या है, दो न्यूक्लियस यूनिट होते हैं और सिंगल लाइगेस यूनिट होता है, तो दो न्यूक्लियस यूनिट इजीली कट कर पाते हैं जिससे सेपरेट आपका जो डॉटर सेल है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन यहाँ, हेयर सेम मैकेनिज्म इज अप्लाइड हेयर, योर फ्लोरोक्विनोलिन विल ब्लॉक योर लाइगेस यूनिट। फ्लोरोक्विनोलिन क्या करता है, लाइगेस यूनिट को जाके बाइंड करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, तो उसकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, ओनली न्यूक्लियस इज एक्टिवेटेड। सो न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, और ड्यू टू कटिंग ऑफ डीएनए मोस्ट फ्रेगमेंटेशन इज देयर और डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ दिस ड्रग बिकम इनइफेक्टिव, के जब हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं तो कब ये इनइफेक्टिव कंसिडर होती है। सो नॉर्मली व्हाट विल हैपन, फोर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, फर्स्ट वन इज पोरिन बिकम टाइट, के नॉर्मली क्या होता है कि वेन एवर जो ड्रग इज देयर, ड्रग इज इंटर इज पर्टिकुलर पोरिन के थ्रू इंटर करने करता है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वेरी क्लियर, दे अल्टर दैट पोरिन, पोरिन को अल्टर करते थे तो पोरिन क्या बिकम वेरी टाइट। सो नए ड्रग अगर बल्की होता है तो बल्की होने की वजह से क्या, दे कुड नॉट इंटर इन दी माइक्रोऑर्गेनिज्म, के पोरिन बिकम वेरी टाइट, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है पोरिन को टाइट कर देता है, और पोरिन टाइट होने की वजह से क्या हुआ कि योर एंट्री ऑफ ड्रग इज नॉट देयर, कि ड्रग की एंट्री नहीं होती है। इफ ड्रग इज नॉट इंटर इन द माइक्रोऑर्गेनिज्म सो दे अनेबल टू इनिशिएट और दे अनेबल टू स्टार्ट पर्टिकुलर एक्शन। कि नॉर्मली क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसे है कि पोरिन बिकम टाइट, के माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वेरी क्लियर कि नॉर्मली व्हाट विल हैपन, योर ड्रग इज इंटर पर्टिकुलर पोरिन के थ्रू इंटर होता है, और पोरिन के थ्रू इंटर होने की वजह से क्या होता है कि जब ड्रग इंटर होता है इट विल बाइंड पर्टिकुलर प्रोटीन एंड देन इट विल इनिशिएट द एक्शन, बट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वेरी क्लियर, दे अल्टर दैट पोरिन, वो पोरिन को अल्टर करते हैं, पोरिन को टाइट कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन, पोरिन बिकम टाइट, सो इफ पोरिन बिकम टाइट सो ड्रग इज अनेबल टू एंटर इन पर्टिकुलर, बिकॉज अगर पोरिन टाइट हो जाती है, अगर ड्रग का स्ट्रक्चर अगर ज्यादा है तो इज अनेबल टू एंटर इन पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाउ सेकंड इज इफ्लक्स पम्प इज देयर, सपोज इफ्लक्स पम्प इज देयर, सपोज माइक्रो ड्रग इज इंटर इन पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, सो देयर आर इफ्लक्स पम्प इज देयर, दिस इफ्लक्स पम्प इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग आउट और किकिंग आउट योर ड्रग। कि अगर एंट्री हो भी जाती है ड्रग की, कि इफ ड्रग इज एंटर इन पर्टिकुलर इंटर इन दी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, सो व्हाट विल हैपन, देयर पर्टिकुलर पम्प इज देयर, इफ्लक्स पम्प इज देयर, दिस इफ्लक्स पम्प इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पम्प रिमूविंग और किकिंग आउट योर ड्रग। कि अगर वो एंट्री भी हो जाती है तो कुछ पम्प होते हैं, स्पेशल पम्प होते हैं, द नेम ऑफ पम्प इज दैट इज इफ्लक्स पम्प। ये इफ्लक्स पम्प का रोल क्या होता है, ये आपके ड्रग को माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर से बाहर निकाल देता है, और ड्रग अंदर से बाहर निकल गया तो अगर ड्रग बाहर निकल गया तो देन अगेन इट बिकम इनइफेक्टिव। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस ड्रग इज दैट ऐसे मॉडिफाइड द ड्रग। ये क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन करते हैं ड्रग का, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बाय द प्रोडक्शन ऑफ सब एंजाइम। वो क्या करते हैं, सपोज दिस स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, कि ये स्ट्रक्चर है ड्रग का, कंसीडर दिस स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, दे विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेट दे आर एडिंग द एसिटाइल ग्रुप। सो व्हाट विल हैपन, ड्रग इज मॉडिफाइड, ड्रग मॉडिफाइड हो गया, इफ ड्रग इज मॉडिफाइड तो दे अनेबल टू इनिशिएट और दे अनेबल टू बाइंड विद पर्टिकुलर प्रोटीन और अनेबल टू स्टार्ट देयर एक्शन।
माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है कि कुछ एंजाइम प्रोडक्शन करता है, कि एंजाइम प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि ड्रग का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है, और ड्रग का स्ट्रक्चर अल्टर हो गया तो उसकी एक्शन लॉस्ट हो जाती है। नॉर्मली व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेज। एसिटाइल ट्रांसफरेज सिंपली इट विल ऐड एसिटाइल ग्रुप टू पर्टिकुलर ड्रग, और जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो ड्रग का स्ट्रक्चर, ड्रग मॉडिफाइड हो जाएगा, और ड्रग जब मॉडिफाइड हो जाएगा तो उसके एक्शन लॉस हो जाएंगे। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग इज, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड योर लाइगेज यूनिट। ये क्या करता है कि लाइगेज यूनिट को मॉडिफाइड कर देता है, और लाइगेज यूनिट मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, हम लोगों ने देखा अगर लाइगेज यूनिट मॉडिफाइड हो गया है तो ड्रग इज अनेबल टू बाइंड विद लाइगेज यूनिट। और लाइगेज यूनिट हमने देखा है कि जो ड्रग होता है क्लोरोक्विनोलिन और क्विनोलिन, वो लाइगेज यूनिट को बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद ही आपका ड्रग के एक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन लाइगेज यूनिट को लाइगेज यूनिट को आपका ड्रग बाइंड नहीं हो रहा है, वो उसका स्ट्रक्चर अल्टर हो जा रहा है और उसको बाइंड नहीं कर पाता है, तो लाइगेज यूनिट इज इरिस्पॉन्सिबल फॉर रीसीलिंग। लाइगेज यूनिट रीसीलिंग कर सकता है डीएनए की, और वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। सो इन दिस वे देयर आर द फोर मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म रेजिस्टेंस इज गेट डेवलप। ओके।